हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस करवाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंस को। सबसे पहला बेसिस है नेचर का। तो रिजर्व कैपिटल, इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व, इट इज द एक्यूमुलेटेड कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है जी, ये एक्यूमुलेटेड कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स बचा होता है कैपिटल आइटम से वो होता है, और ये कैपिटल का हिस्सा, रिजर्व कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो अभी कॉल्ड अप नहीं की हुई कंपनी ने। रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, द क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल नो वेयर रिक्वायर्स, कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंगली रिजर्व कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इधर फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ वेरियस कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड होता है टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। और प्रोसीजर क्या है रिजर्व कैपिटल के केस में, टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल द कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसके बाद दूसरा इसका कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस का क्या है, ये देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करने की, वो तभी किया जाता है जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट बच रहा हो। एंड डिस्क्लोजर, रिजर्व कैपिटल इट इज यूजली शोन इन द बैलेंस शीट, अ नोट मे बी गिवन फॉर दिस। ठीक है जी, और कैपिटल रिजर्व इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। राइट गाइस, तो अगला पॉइंट है जो फिफ्थ पॉइंट, वो है टाइम ऑफ रिसीट। सो बीइंग अनकॉल्ड कैपिटल द अमाउंट इज रिसीवेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज ऑलरेडी रिसीव्ड। राइट गाइस, और उसके बाद सिक्स पॉइंट है एप्लीकेशन और यूसेज। जो रिजर्व कैपिटल है इट इज जनरली यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इफ रिक्वायर्ड, और कैपिटल रिजर्व, दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज और ऑफ द और द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो इन चीजों के लिए ये प्रॉफिट को यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ये डिफरेंस तो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, आप वीडियो को गाइज स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स पूरे कर लीजिए। ठीक है जी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी। ओके गाइज, तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपने कोर्स को कम्प्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।